हेलो कर दो सभी को, बानू करो हाय हाय कर दो ऐसा बोलो। कैसे हैं आप? अच्छा हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत में बानी ने सभी को हाय हेलो की है। तो आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथ के साथ आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सी सीनरी दिखा रहा हूँ अपने घास के मैदान की। तो यहाँ पर हमने कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इस वाले ब्लॉग की अब मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा जहाँ पर प्रीवियस ब्लॉग को मैंने एंड किया हुआ था। तो हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी थी भाई यहाँ तक, और अब गाड़ी आ गई थी और उसके बाद अब सारी की सारी लकड़ियों की हम करेंगे लोडिंग इस गाड़ी के अंदर। बात हुई यहाँ पर कुछ ऐसी कि लकड़ियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी वाले को यहाँ पर 2 या 3 फेरे लगाने पड़े। और जब गाड़ी को हम अनलोड कर रहे थे ऊपर, तो वहाँ पर भी बहुत मुश्किल से ये निकाले हमने लकड़ियाँ, क्योंकि ये फंस गई थी एक दूसरे के साथ। शादी के लिए रह गए हैं अब 2 या 3 ही हफ्ते, और हमारे लिए जरूरी है कि सारे के सारे काम को फिनिश किया जाए एग्जैक्ट टाइम पर। तो गाड़ी पहुंचा दी है भैया जी ने यहाँ पे, और इनकी माता जी भी अंदर ही हैं बैठी हुई। इनको बता दें हम कि कोई भी लकड़ियों के जो भारे हमने बांधे हुए थे, तो देखिए उस तरह से हम सोच रहे थे कि अनलोडिंग के टाइम भी जल्दी से काम हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं हुआ। पूरी की पूरी लकड़ियाँ फंस गई थी और एक एक सिंगल सिंगल लकड़ी को देखिए फेंक रहे हैं, तो बहुत टाइम लग गया यहाँ पर भी हमारा। और वैसे लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है आज। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, हमने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था, हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था इसको LCD केस को। तो आज हम इसको अच्छे से इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। एक्चुअली हमारी जो प्लानिंग है, हम इसे नीचे नहीं रखना चाहते हैं, हम इसको लटकाना चाहते हैं अपनी दीवार के साथ, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और थोड़ा सा शो भी बने हमारे इस वाले रूम की। सबसे बड़ी डिफिकल्टी टेक्नीशियन को इसको टंगाने में ये हो रही थी। एक्चुअली इसका वेट बहुत ज़्यादा है और 2 बंदों से ये आसानी से उठाया नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हम सभी ने मिलजुल करके टेक्नीशियन की हेल्प की यहाँ पर, और जो भी इन्होंने सबसे पहले हमें पूछा कि आप किस तरह कहाँ पर इसको लगाना चाहते हो एग्जैक्टली, पहले मुझे वो बताओ। तो इन्होंने यहाँ पर मार्किंग वगैरह कर ली थी, और जब इसकी प्रॉपर डायमेंशन इनको मिल गई टेक्नीशियन को, तो उसके बाद ये इसको फिक्स करने में लगे हुए हैं और हम सभी ने इसको उठाया हुआ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी था ये। टेक्नीशियन भाई तो बिजी हैं अपने काम में, और साथ के साथ पानी भी हेल्प कर रही है, उनके औजार वगैरह देखिए इकट्ठे कर रही है। तो देखिए टेक्नीशियन पोता भाई अपना काम, लेकिन बाणी कुछ मगन है अपने ही काम में, अपनी ही धुन में। तो LCD केस तो हमने लगवाया, सब के साथ कुछ चेंजेस भी किए हैं हमने इस रूम में। और ये देख सकते हैं आप, ये मिरर, इसको भी हम लाए हुए हैं यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम हमारा रहना है और जहाँ पर हम अपना मतलब ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, तो इसी रूम में ही मैक्सिमम घर के सभी मेम्बर आते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए इस मिरर को हमने यहाँ पर लगाया। बाकी ओवरऑल रूम आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है अब ये।
उसके बाद हम सभी ने लंच वगैरह किया और ये इवनिंग 3:30 या 4 बजे के मोमेंट हैं। उस टाइम पे ट्यूशन की टाइमिंग भी हो गई थी और ये बच्चे भी आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला हमने भी जल्दी जल्दी जाना है, तो प्रियंका ने इनकी क्लास जल्दी ही ले ली आज। तो आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ तीनों टाइम की पूरी रूटीन, जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग की भी दिखाई और साथ के साथ आफ्टरनून की और इवनिंग के टाइम की भी दिखाई, और अब टाइम आ गया है कि नाइट टाइम के भी कुछ आप लोगों के मोमेंट शेयर करूं। तो आज नाइट हमारे डिनर में बन रहा है बहुत ही खास खास चीज़ें, तो देख सकते हैं आप मम्मी और प्रियंका बिजी हैं आज किचन में, हमारे घर पर बन रही है आज के चौड़ियाँ भल्ले सुआलू, तो ये हमारे लोकल यहाँ हिमाचल की बहुत अच्छी और प्रसिद्ध डिशेज रहती है। बाकी आज पता ही है सारे के सारे लोगों को कि बैसाखी का त्यौहार है, तो सारी की सारी यूट्यूब फैमिली को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बैसाखी के ऊपर ही हमने सोचा, पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स ने डिस्कस किया कि क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या डिशेज बनाएं आज। तो सभी ने बोला कि कचौरियाँ बना देते हैं, साथ के साथ भल्ले सुआलू बना देते हैं, जो हमारे हिमाचल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध डिशेज हैं। तो एक बार फिर से पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बैसाखी के त्यौहार के बाद ही देखिए जो हमारी गेहूं वगैरह की कटाई का काम है ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते के बाद ही शुरू होने वाला है। आप लोगों को मैंने खेत भी दिखाए थे, तो ऑलमोस्ट पकने वाली है हमारी गेहूं भी। कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे चने दली का यूज़ किया हुआ है और साथ के साथ इनकी पिसाई की हमने सबसे पहले मशीन में। इनको हमने पिछले कल भिगोकर रख दिया था पानी में और ये अच्छे से भीग भी गई थी, और भीगने के बाद ये नरम सी भी हो जाती है और फिर अच्छे से कुछ इस तरह से इनका पेस्ट बन जाता है। उसके बाद जो मसाले वगैरह हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हमने अपने गांव से लाया हुआ था हरा लहसुन और हरा धनिया, वो भी हमने इसमें डाला। बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, हमने ऑलरेडी पिछले जो हमारे ब्लॉग्स हैं काफ़ी ओल्ड वाले उनमें भी काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की है कि कचौड़ियाँ किस तरह से बनाते हैं। पूरी पूरी रेसिपी को ब्रीफली शेयर किया हुआ है और साथ के साथ आप देख भी सकते हैं कुछ यहाँ पर मम्मी जैसे जैसे बना रही है बिल्कुल वैसे ही बनती है ये। इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं होता है, जिस तरह मम्मी ने गोल गोल हाथों से घुमा करके इसके साइज़ को बड़ा किया बस उसी तरह से। और फिर उसके बाद तलाई करनी है इसकी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फाइनली जब कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई थी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो हमारी कचौड़ियाँ कुछ बनके इस तरह की दिख रही हैं, बाकी पूरा का पूरा फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो हमने सब्जी भी बनाई हुई थी तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हमारे कॉस्मेटिक स्टोर पर आए हुए कांच की चूड़ियों के बिल्कुल सिंपल एंड सॉवर कलर देख सकते हैं आप लोगों के सामने। ये कांच की चूड़ियाँ हैं और कलर भी बिल्कुल सबसे डिफरेंट से ही हैं, एकदम से सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट कलर हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट किया कॉस्मेटिक स्टोर के रिगार्डिंग, फिर आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आजकल आप लोग हमें कॉस्मेटिक स्टोर नहीं दिखाते हो अपना। देखिए हमारा कॉस्मेटिक स्टोर भी चला हुआ है, कई बार ऐसा है कि ग्राहक नहीं आते हैं और बीच बीच में चले भी रहते हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है लेकिन अभी भी मौसम कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ही मॉर्निंग होती है हमारे घर के सामने बिल्कुल इतना सुंदर बढ़िया सा नज़ारा देखने को मिलता है, एकदम से सुकून मिल जाता है। और हाँ जी बिल्कुल अब मौसम साफ है और गर्मियां ऑलमोस्ट शुरू ही हैं। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग, जरूर बताइएगा इसके बारे में। बाकी इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही कर दूंगा और साथ के साथ एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स के साथ। जिस तरह से आप लोग IPL को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग पर भी ज़रूर विजिट किया करें, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते के जो व्यूज़ हमारे डाउन हुए हैं वहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि IPL में बिजी हो गए हैं पूरी पूरी ऑडियंस। तो प्लीज़ IPL के साथ साथ थोड़ा सा टाइम हमारे ब्लॉग्स के लिए भी निकाल लिया कीजिए। बाकी IPL भी ज़रूरी है क्योंकि इस साल में एक ही बार आता है IPL और बहुत मज़ा आता है। मैं खुद IPL के पूरे पूरे मैचेस को देखता हूँ, रात को 12 बजे ही सोता हूँ पूरे पूरे मैच को ख़त्म करने के बाद।
और चलिए, और साथ के साथ मैं कुछ आने वाले ब्लॉग्स के हाईलाइट भी जोड़ रहा हूँ, तो आने वाला ब्लॉग भी रहेगा आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो यहीं स्टे ट्यून बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर, मिलेंगे बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।